नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। भाजपा नेता श्री कृष्ण पाटीदार का शनिवार को निधन हो गया। वह काफ़ी समय से बीमार थे। उन्होंने आज जिले में अपने आवासीय होटल की तलाई में अंतिम सांस ली है। बीजेपी नेता श्री कृष्ण पाटीदार के निधन की खबर के बाद बीजेपी नेता और अन्य नेताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता श्री कृष्ण पाटीदार का अंतिम संस्कार आज शाम को किया गया है। श्री कृष्ण पाटीदार पिछले 40 सालों से झालावाड़ जिले में भाजपा की रीढ़ माने जाते थे। भाजपा के छोटे से छोटे नेता और कार्यकर्ता भी उन्हें आदर पूर्वक बाबूजी कहकर पुकारते थे। झालावाड़ सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। वहीं वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि झालावाड़ ही नहीं पूरे देश में नाम रोशन करने वाले मेरे परिवार के मार्गदर्शक व शुभचिंतक श्रद्धेय बाबूजी श्री कृष्ण पाटीदार जी के निधन की खबर सुनकर मैं निःशब्द हूँ। उन्होंने अनूठी कार्यशैली के कारण पूरे देश की राजनीति में अपनी पहचान बनाई। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। उल्लेखनीय है कि झालावाड़ के दुर्गापुर ग्राम पंचायत निवासी श्री कृष्ण पाटीदार 40 सालों से भाजपा में सक्रिय थे, लेकिन आज उनका निधन हो गया है, जिसके बाद देश में शोक की लहर देखने को मिल रही है। आप सभी दोस्तों से विनती है, कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर।